कि जो हनुमान है, जो बजरंगबली हैं, वो दलित हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे वो थोड़ा सा बता दें। हनुमान जी दलित थे और वो मनवादियों के गुलाम थे, और हम तो कहना चाहते हैं, लोग कहते हैं भगवान श्री राम, अगर भगवान श्री राम होते तो हनुमान जी की ज़रूरत क्या थी। मैं तो देखती हूँ कि राम का बेड़ा पार कराने का काम तो हनुमान जी ने किया। अगर भगवान कहना था तो हनुमान जी को कहना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को भगवान ना कह करके उनको दलित कह दिया गया। आज उनको योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे। तो अगर हनुमान जी दलित थे, इंसान थे, तो आखिर में उस समय राम ने उनको बंदर क्यों बना दिया, उनकी पूंछ क्यों लगा दिया, उनका मुंह काला क्यों बना दिया। ये तो उस समय राम का बेड़ा पार कराने का काम किया, और यही नहीं, राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब तीर लगी थी और वो मृत सैया पे लेटे थे, उस समय हनुमान जी पहाड़ से संजीवनी बूटी लाकर उनको जिंदा करने का काम किए थे। क्या उसी की सजा राम ने उनको बंदर बना करके दिया है क्या? उस समय भी दलितों का अपमान किया गया और आज भी दलितों का अपमान किया जाता है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि अगर भगवान का रूप देना चाहिए तो हनुमान जी को देना चाहिए, लेकिन वो दलित थे इसलिए उनका भगवान का रूप न दे करके उनको बंदर का रूप दिया गया। उस समय भी अपमान किया गया। हमारी पिछड़ी जाति के लोग राजा हुआ करते थे, जो लोग राजा हुआ करते थे, रक्षा करने का काम किया, जहाँ पर हमारे जहाँ पर सीता जी को ले रावण जब ले करके गए अपने राज में, तो उन्होंने उनकी रक्षा करने का काम किया, उनकी सुरक्षा करने का काम किया, और उनको राक्षस कह दिया गया। तो ये तो पूरे देश के दलित और पिछड़े समाज के लोग जो राजा हुआ करते थे, जो बाहुबली हुआ करते थे, जो ताकतवर हुआ करते थे, जो देश और समाज उस युग में जब भी ताकत की एहसास जरूरत पड़ी तो अपने बाहुबल के साथ उनका साथ देकर उनका सहयोग करने का काम किए, तो उस समय उनको भी उस समय भी हीन भावना से देखा गया। और आज भी दलित समाज के लोग आज भी उनको इंसान समझा जाता, उनको इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि उनको दलित का दर्जा देकर उनका अपमान किया जाता। क्या अगर दलित हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या इंसान बराबरी पे नहीं आ सकता? क्या इंसान का नाम नहीं देना चाहिए? और अगर बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बाहुबली है, ताकत है और हिम्मत है, देश के लिए समाज के लिए अगर अच्छा काम किया है, तो क्या उनको भगवान नहीं कहा जा सकता? उनको क्यों नहीं भगवान कहा गया? ये तो अपमान किया जा रहा है पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का। जब जब इलेक्शन आता है तब तब इनको भगवान और मंदिर दिखाई देते हैं। 4.5 साल बीत गया, बीजेपी को मंदिर याद नहीं आई, बीजेपी को भगवान याद नहीं आए। 4 साल में इन्होंने जो वादा किया था केवल जुमला फेंका, जनता के बीच में कोई काम नहीं किया। अब जनता जब इनसे सवाल पूछ रही है और इनकी सत्ता जाने वाली है, तब इनको भगवान राम याद आते हैं कि हम भगवान राम की मंदिर बनाएंगे। मैं तो पूछना चाहती हूँ, भगवान राम की मंदिर आप कैसे बनाएंगे, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर कहा था कि हम साक्ष्य के आधार पर निर्णय देंगे। तो जब अयोध्या में खुदाई हुई तो वहाँ तो तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा निकली थी, वहाँ तो तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष निकले थे। तो जब तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष निकला था तो आप वहाँ पर कैसे आप राम मंदिर बनाएंगे? वहाँ तो साक्ष्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेंगी और उस आधार पर वहाँ पर मंदिर बनेगा, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मंदिर बनेगी वहाँ पर पहले। लेकिन ये तो जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, वो कहते हैं कि तारीख पे तारीख नहीं, निर्णय दो वरना मैं निर्णय स्वयं ले लूंगा। अरे भाई, आप कैसे निर्णय ले लेंगे? जब कोर्ट बना है और जब कोर्ट निर्णय करेगा तब आप निर्णय करेंगे, आप ऐसे कैसे निर्णय करेंगे? इसके मतलब उनकी सोच आज भी है कि जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके और पूरे देश भर में
उन्माद फैलाने का काम किया था, पूरे देश भर में दंगा कराने का काम किया था, आज वही फिर बीजेपी देश भर में वोट की राजनीति के लिए, सत्ता में आने के लिए, और ये पुनः पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को ख़त्म करके भारत, कभी भारत पाकिस्तान की बात करके, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करके, और कभी दंगा करा करके देश सत्ता में आना चाहती है। लेकिन इनके उन्माद को देश का बहुजन पुरुष किसे समझ चुका है, जान चुका है। अब देश के दलित और पिछड़े को ना तो इनको मंदिर चाहिए, अब इन्हें पिछड़ा दलित आदिवासी को मंदिर नहीं चाहिए, इनको भगवान से भलाई होने वाली नहीं है। अगर देश के बहुजन की भलाई होगी तो भारत के संविधान से होगी, इसलिए अब हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें राम भगवान नहीं चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, अब हमको भारत का संविधान चाहिए। अब देश धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, अब देश भगवान के नाम पर नहीं चलेगा, अब देश भारत के संविधान पर चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के संविधान के तहत देश चलाया जाए, जिस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और भारत में रहने वाले चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय के हों, सबको बराबर का सम्मान अधिकार मिलता रहे। आप थे सावित्रीबाई फूले, जो बहुजन समाज की बात को बहुत बढ़ चढ़कर बोलती हैं, जिन्होंने अपनी सीट की परवाह भी नहीं करी और उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज के लिए लड़ती रहूंगी, बहुजन समाज के लिए पैदा हुई हूं, बाबा साहब के मूल उद्देश्यों को, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को आगे ले जाती रहूंगी और इसके लिए मुझे कोई पार्टी विशेष की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही अपने क्रांति रूप में काम करती रहूंगी। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।